गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि भगवान शिव की कृपा आपको मिलने वाली है। आपको भस्म से एक अचूक उपाय करना है। पहली बात तो यह है कि भगवान शिव को भस्म अत्यधिक पसंद है। शिव जी के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। यह प्राचीन परंपरा है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भस्म क्यों अर्पित करते हैं। भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। भोलेनाथ का रहन सहन, आवास, गण आदि सभी देवी देवता से एकदम अलग है। शास्त्रों में एक और जहां सभी देवी देवता सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित बताए गए हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे भगवान शिव का रूप ही निराला है। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण किए हुए हैं। शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी कि राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। भस्म ही उनका श्रृंगार है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। भस्म से हमें एक अचूक उपाय करना है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व 1 मार्च 2022 को पड़ रहा है। ध्यान रखिए, आपको भस्म से अचूक उपाय करना है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है या ऑफिस में कुछ भी समस्या आ रही है या आप कुछ भी व्यापार करते हैं तो वो चल नहीं पा रहा है, तो आपको भस्म से एक बड़ा ही आसान उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले सावधानी की बात ये है कि आप ये ध्यान रख लें कि ये जो उपाय है केवल पुरुषों को ही करना है। महिलाएं बिल्कुल भी इस उपाय को नहीं करेगी, लेकिन महिलाएं जो हैं वो अपने पुत्र से इस उपाय को करवा सकती हैं। ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ कोई भी पुरुष ना हो तो ये उपाय आप पुजारी जी से भी, पंडित जी से भी आप करवा सकते हैं जो मंदिर में रहते हैं। तो आपको विशेषकर इस उपाय को करना चाहिए। देखिए करना क्या है, महाशिवरात्रि के पावन दिन पर किसी भी समय सुबह से लेकर के शाम में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या लगेगी, भस्म। आपको भस्म ऐसी लेकर के आनी है जिसमें से सुगंध आती हो, बहुत अच्छी वाली, बहुत अच्छी सुगंध वाली भस्म आपको लेकर के आनी है। किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको भस्म मिल जाएगी, बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो आपको वैसी भस्म लेकर के आना है। अब आपको क्या करना है, एक चौकूर कपड़ा लेना है, एक चौकूर सफ़ेद कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपको ये भस्म रख देनी है। ध्यान रखें, जो भस्म आप रखेंगे जो गठान जो होगी वो थोड़ी सी ढीली होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी शिव मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग स्थित है वहाँ पर आपको जाना चाहिए। देखिए वैसे तो शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अगर हो सके तो आप ऐसे समय पे जाएं जब आपको भीड़ ना मिले या तो कम मिले। ध्यान रखें आपको क्या करना है, ये जो भस्म है ये आपको शिव जी के ऊपर आपको चढ़ानी है। कैसे चढ़ाएंगे, जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में चढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको ये भस्म चढ़ानी है। सारी जो भस्म है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ी हुई जो भस्म है उसको आपको निकाल देना है। थोड़ी सी निकाल करके आप उसे चांदी की डिब्बी में रख सकते हैं। ध्यान रखें, चांदी की डिब्बी में रख लें और आप आपके व्यापार वाले स्थान पर रख सकते हैं या आपके ऑफिस वाले स्थान पर रख सकते हैं। आप देखेंगे कि एक साल तक आपको उसको खोलना भी नहीं है और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका धंधा व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लग जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। बड़ा ही अचूक उपाय है। ध्यान रखें, कई लोग हैं जो चांदी की डिब्बी उनके पास नहीं रहती है, तो उनको क्या करना है, या तो लाल कपड़े में उस भस्म को रख लें और उसके साथ एक चांदी का जो सिक्का है वो उसके अंदर डाल करके उस कपड़े को आप गांठ में बांध करके आप गले में या आप आपके ऑफिस वाले स्थान पर रख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो उपाय है ये केवल पुरुषों को ही करना है। अगर पुरुष नहीं है तो पंडित जी से भी करवा सकते हैं। देखिए अगर भस्म गीली भी हो जाएगी तो एक चुटकी आप भस्म को, गीली भस्म को भी लेकर के उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये अद्भुत उपाय करना है। भगवान शिव के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। जब भी ये किसी स्थान पर ये पोटली रखेंगे या तो चांदी की डिब्बी रखेंगे, जब आप रखेंगे उस समय भी आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना है और इस अद्भुत उपाय को आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर करना है। अगली महाशिवरात्रि आएगी, इसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। कभी भी करें, प्रदोष काल में करें, सुबह करें, शाम को करें, जब भी आपको करना है आप ये कर सकते हैं। बड़ा ही आसान उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।